ये जहाँ नियोजित शिक्षकों से जुड़ी बड़ी खबर है, राज्य के 4 लाख नियोजित शिक्षकों का सपना साकार होने वाला है। बिन परीक्षा के दर्जा देने पर फैसला लेगी, सीएम नीतीश कुमार के निर्देश पर सरकार इसकी घोषणा करेगी, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। और रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर। रजनीश, सूत्रों के हवाले से खबर, लेकिन 4 लाख नियोजित शिक्षकों को सबसे बड़ा सरकार तोहफा देने जा रही है। जानकारी लोगों को नहीं थी कि कमेटी भी गठित की गई थी, लेकिन जो जानकारी हम दे रहे हैं कि इंटरनल कमेटी काम कर रही थी और उस कमेटी ने सीएम नीतीश कुमार को रिपोर्ट दे दिया कि क्योंकि सीएम की इच्छा है कि लोकसभा चुनाव बिन परीक्षा के दर्जा मिलेगा। लेकिन ये क्लियर हो गया, पहले सरकार बड़ा तोहफा देगी और क्षमता परीक्षा देने वाले 400 से अधिक नियोजित शिक्षक जांच के दायरे में है। शिक्षा विभाग की ओर से भौतिक सत्यापन में नहीं आने वाले 420 नियोजित शिक्षकों को एक और मौका दिया गया है। ऐसे नियोजित शिक्षकों को जांच समिति के सामने 10 से 15 अप्रैल तक उपस्थित होने का आदेश जारी किया गया है। उसमें शामिल नहीं होने वाले नियोजित शिक्षक फर्जी घोषित कर दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग की ओर से नियोजित शिक्षकों की जांच के लिए शेड्यूल भी जारी किया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जांच समिति के सामने नहीं आने वाले नियोजित शिक्षकों को फर्जी घोषित करने का निर्णय लिया जा सकता है। दोस्तों, बिहार नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आई। ये बता दें कि नियोजित शिक्षक लगातार बिना शर्त राज्य कर्मी की दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में बिहार सरकार की तरफ से उनके लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ सकती है। वहीं दोस्तों, एक खबर निकल कर आई है, यहाँ पर देख सकते हैं कि जांच को हाजिर नहीं होने वाले नियोजित शिक्षक फर्जी घोषित होंगे। बता दें कि 435 नियोजित शिक्षक जांच की जद में है। ये सभी वैसे नियोजित शिक्षक है जो राज्य कर्मी बनने के लिए सक्षमता परीक्षा में शामिल हुए थे। भौतिक सत्यापन नहीं आने वाले 420 नियोजित शिक्षकों को एक मौका और दिया गया है। ऐसे नियोजित शिक्षकों को जांच समिति के समक्ष 10 अप्रैल से 15 अप्रैल तक शिक्षा विभाग में हाजिर होने का कहा गया है। इसमें शामिल नहीं होने वाले नियोजित शिक्षक फर्जी घोषित किए जाएंगे। तो दोस्तों, यह बड़ी खबर निकल कर आई हुई है कि 435 नियोजित शिक्षक जांच की जद में है। तो दोस्तों, यह बड़ी खबर निकल कर आई हुई है, अगर ये नहीं शामिल होंगे तो इन्हें फर्जी घोषित कर दिया जाएगा। वहीं दोस्तों, लगातार नियोजित शिक्षक बिना शर्त राज्यकर्मी की दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में बिहार सरकार की तरफ से उनके लिए एक राहत की खबर निकल कर आ सकती है। बिहार सरकार लोकसभा चुनाव के चलते नियोजित शिक्षकों के पक्ष में फैसला ले सकती है। बिना शर्त राज्यकर्मी की दर्जा देने पर फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।